मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की हमेशा से रवायत है कि हम आपसे ऐसे सितारों को मिलवाते हैं, ऐसे स्टार से मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया होता है बल्कि अपने शोबे में भी उनका आला मुकाम होता है। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ एक बहुत ही दरखशंदा सितारा मौजूद है, एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि दुनिया में उन्होंने अपने फ़न से अपना नाम रोशन किया है। पाकिस्तान की सकाफत की अमीन अगर मैं उनको कहूँ, या आगे पाकिस्तान की उनको मैं एक अम्बेसडर के तौर पर कहूँ, तो मेरे ख्याल में ये भी कम शायद तारीफ होगा। उनका काम उनकी गारंटी है, और उनका काम ऐसा है जो कि इंटरनेशनल जहाँ जहाँ भी गया, जिस जिस अम्बेसी में भी गया, और पाकिस्तान के लिए वो एक, मैं समझता हूँ, बहुत ही इज्जत का बायस बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैडम आमना औरंगज़ेब साहिबा की, जो कि आप नाम से वाकिफ़ हो गए, और बाकी डिटेल जो बातें होंगी उनके साथ आज ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में होगी। मैडम आमना औरंगज़ेब साहिबा जो हैं एक आर्किटेक्ट भी हैं, पेंटर, पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी करती हैं, उनकी सारी अपनी क्रिएशन होती है। इसके अलावा वो इंटीरियर डिज़ाइनर भी है और थीम बेस्ड डिज़ाइनर हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है। बहुत सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स उन्होंने रिस्टोर की है, उसको बनाने में दोबारा से नए सिरे से उसकी एक्चुअल पोजीशन में उसको लाने के लिए उनकी खिदमात है। स्पेशली अगर हम उसमें से दो एक मैं बताना चाहूँ तो एक लाहौर में जीओआर में एक बहुत पुरानी एक जगह है जो कि एक लाहौर में जीओआर में बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, पुंछ हाउस। पुंछ हाउस का जो अगर मैं देखा जाऊं तो उसके 1854 में जब वो बना, तो उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई। तो अब दोबारा से गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि भी इसको दोबारा से इसके एक्चुअल हालत में लेकर आया जाए। तो मैडम आमना औरंगज़ेब साहिबा से उनकी खिदमात ली गई है, और मैडम इसके ऊपर बहुत स्पेशलाइज़ किया है उन्होंने, और भी बहुत सारे काम हैं उनके। मेरा ख्याल है मैं तारुफ करवाना चाहूँ तो टाइम शायद कम पड़ जाएगा। आगे की कहानी ख्वाबों से तबीर तक की उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। आज मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद है मैडम आमना औरंगज़ेब। अस्सलामु अलैकुम आमना, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में खुश आमदेद। और मेरे लिए आज बड़ी खुश नसीबी की बात है कि एक बड़ी इंटेलेक्चुअल और बहुत ही क्रिएटिव किस्म की डिज़ाइनर के साथ में हूँ। आमना, बताइए कि एक्चुअल में आमना औरंगज़ेब फ्रॉम फैसलाबाद से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर ये दुनिया का सफ़र, ये नॉट इजी जॉब एक खातून होने के नाते, तो थोड़ा सा बताइए डिटेल में कि आमना औरंगज़ेब है क्या असल में। जी वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो जी आपके इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए बहुत शुक्रिया। आपने जितने प्यारे अल्फाज में इंट्रोडक्शन कराया शायद इतनी ज़्यादा भी मैं काबिल ना हूँ, लेकिन आपका जो टाइटल है ख्वाबों से ताबीर तक, ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि इसने पूरी एक किसी की भी ज़िंदगी उसके अंदर समेट के रख दी। ख्वाब तो देखे बचपन से देखे, हिस्ट्री पढ़ी, कल्चर सिविलाइजेशंस में बहुत इंटरेस्ट था, घर का माहौल शुरू से माँ बाप से जो मिला कि बहुत पढ़ते थे तारीख के बारे में, मुसलमानों का जवाल क्यों हुआ, क्यों मुसलमान एक हाइट पे जाके नीचे आ गए, सब कुछ देखा। फिर मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कि डिफरेंट कल्चर्स में क्या है, डिफरेंस क्या है बेसिकली।
तो मेरे अपने फादर के पास, चूँकि इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने तब मास्टर्स किया था जीसी लाहौर से, जब पितरस बुखारी उनके टीचर थे, तो अब्बू कहते थे कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था उर्दू लिटरेचर को समझने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस को समझा। हिस्ट्री वाज वन ऑफ माय मेजर जब मैं स्टूडेंट थी, और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता था कि मुझे कभी हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ी थी। मे बी कि स्टूडेंट्स को बोर लगता है कि उसमें डेट्स हैं, उसमें तारीखें आ जाती हैं, उसमें बहुत से फैक्ट्स हैं, पर मैं हमेशा हिस्ट्री में पढ़ती थी कि रीजंस क्या हैं हमारे डिक्लाइन के, और क्यों इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर मोर किंगडम से लेके, ऑटोमन से लेके, मुगल से लेके नीचे आए, फिर उनके अच्छे फीचर्स निकाले, जितना उन्होंने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए किया वो निकाला। फिर मैंने ट्रैवल बहुत किया, मैंने मॉन्यूमेंट्स देखे, दुनिया में घूम के देखा कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को मतलब मैं खुद उस चीज़ को बना सकती हूँ। उसमें मैंने शौक से काम शुरू किया, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट लिया, अच्छे कारीगर ढूंढे, एंड नो डाउट ये काम करते हुए लॉसेस भी उठाए, फैमिली प्रेशर्स भी आए, डांटे भी बहुत खाई, बहुत सारे नुकसान भी किए, लेकिन मैंने देखा कि मैंने इस चीज़ को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चूँकि एजुकेशन सेक्टर से भी ताल्लुक था, इसलिए मैं बहुत सारे एम्बेसडर्स के साथ ऑलरेडी ऑन बोर्ड थी। एक हमारा गंधारा एसोसिएशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, उसमें भी मेरी कोरियन फ्रेंड थी एस्थर पार्क, उसके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ मैं ऑलरेडी थी, जिसमें कोरिया, चाइना और जापान के एम्बेसडर्स भी थे। उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए। अच्छा, इसी सारे ड्यूरेशन के बीच में मैंने फर्नीचर शुरू किया, और फर्नीचर मेरे सारा था आर्ट पीसेस जो मैंने शौक से कलेक्शन लिए एक्सक्लूसिव रिवाइवल्स के नाम से, जिसमें मैंने क्लोजियम रोम को सोफे में क्रिएट कर दिया, फिर मुगलों के वो जो उस ज़माने में स्टोन वर्क और ब्रास के अंदर हैंड कार्विंग होती थी उसको फर्नीचर पीसेस में ले आई, फिर फाउंटेन ऑफ लॉइन अल्हम्ब्रा स्पेन का उसको राउंड डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया, फिर अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिसर्च करके अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन के इमेजेस निकाल के उनको हैंड कार्विंग में पूरे टेबल्स पे और सोफाज में ले गई, फिर दुनिया की तारीख में जो शुरू के एम्ब्रॉयडरी के मोटिव्स थे वो मैंने फैब्रिक पे क्रिएट किए। वाओ, और ये एग्जीबिशंस की मैंने बहुत सारी। फिर चूँकि साउथ कोरिया के एम्बेसडर थे, बहुत स्वीट, वेरी काइंड, उनके साथ बहुत था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर कोरियन ट्रेडिशनल डिज़ाइंस भी बनाओ तो कोरिया के नेशनल डे पर हम उसको एग्जिबिट करते हैं। मैंने रिसर्च की, उसमें साउथ कोरिया से बहुत सारे डिज़ाइनर्स भी आए हुए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली कि मैंने कोरिया का जो ब्रास का काम है, उनका जो मदर ऑफ पर्ल्स का काम है, उसको मैंने फर्नीचर में क्रिएट किया कोरिया के डिज़ाइंस को। और इस्लामाबाद के सर्कल्स में मुझे बहुत ज़्यादा उसमें, बट चूंकि मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियली काम नहीं कर रही थी, मैं शौक से काम कर रही थी, तो बस करती जा रही थी। फिर उसी में पोर्चुगल और ब्राज़ील के एम्बेसडर से हुआ, उनको मैंने कहा कि जो ईस्टर्न यूरोप में मुझे शुरू से बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें ब्लू आर्ट होता है, जिसमें पूरी पूरी तारीख और कहानियाँ लिखी हुई होती हैं, तो मैंने सोचा, मुझे पोर्चुगल के एम्बेसडर ने कहा कि अगर हम वही एग्जीबिशन डिफरेंट सिटीज़ में करें तो आप इस पर वर्क करोगे। मैंने मुल्तान से कारीगर ट्रेन किए और टाइल आर्ट में ब्लू आर्ट को, आर्ट ऑफ अज़ियोलेजो को क्रिएट किया, और आर्ट ऑफ अज़ियोलेजो की पूरी हिस्ट्री को सोफों और कुर्सियों पर लेके आई। जब उसकी लॉन्चिंग भी की लाहौर में, उस एग्जीबिशन से मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिर बल्गेरिया के एम्बेसडर ने मुझे, पार्टनर है क्रिस्टियान, वो 80 ईयर्स से फर्नीचर इंडस्ट्री में है, सोफिया में है, उनके साथ इंट्रोड्यूस किया। उनको मैंने कस्टमाइज्ड हैंडमेड पीसेस भेजे, जो वहाँ पे उनकी जो डिज़ाइनर फ्रेंड है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज़ में यूज़ कराए, वो उसमें टेबल्स थे हैंड कार्व्ड, उसमें ब्रास का काम था। फिर मैंने उससे, मेरा शौक डेवलप होता गया। फिर याद होगा आपके साथ बाकू में हमने कस्टमाइज पीसेस के साथ एक वो लॉन्चिंग की थी, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर एम्बेसीज के साथ, गोरों के साथ काम करते करते मैंने एक अपनी लॉन्चिंग कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि अब मुझे इसको लेना चाहिए, अब इस आर्ट में मुझे फर्दर और काम करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। फिर मैंने साथ साथ इटली से, जैसे रेस्टोरेशन में, कॉरपोरेट इंटीरियर्स में, रेजिडेंशियल इंटीरियर्स में काम शुरू किया। फिर फैसलाबाद के टॉप की जो, जैसे क्रेसेंट टेक्सटाइल के साथ काम किया, रशीद टेक्सटाइल्स के साथ काम किया, उनके ऑफिसेस को पूरा पूरा रेनोवेट किया और थीम के ऊपर किया। सपोज रशीद टेक्सटाइल वाले जो रशीद इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चूँकि टेक्सटाइल्स और प्रिंटिंग में आते हैं, तो उनकी बहुत हैवी मशीनरी थी, वो दो हॉल्स को उन्होंने कनेक्ट करना था, तो मैंने एक पुराने वुडन ब्रिज को लेके उस ब्रिज से दोनों हॉल्स को कनेक्ट किया, और उनके इंटीरियर में ह्यूज पेंटिंग्स थी, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन की हिस्ट्री निकाली, यूएस के पुराने फील्ड्स निकाले, वो पूरी पूरी पेंटिंग्स में लेके आ गई। तो मेरी आदत है कि जैसे क्रिसेंट टेक्सटाइल्स का वो था डिस्प्ले था बेडिंग का, तो मेरी शुरू से आदत रही हुई है कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट को पकड़ती हूँ फिर उसको कस्टमाइज करती हूँ।
फिर मेरी एक इंस्पिरेशन थी ट्री हाउसेस की, वो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मोहम्मद अली साहब जब डिप्टी कमिश्नर थे फैसलाबाद के, वो खुद बहुत क्रिएटिव है, उनके साथ ऐसी डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम ट्री हाउस बनाते हैं चनाब क्लब के अंदर। तो चनाब क्लब में एक बड़ा पुराना सा बोर्ड का दरख्त था और उसके पीछे जो एरिया था वो वेस्ट हो रहा था, उस एरिया को यूटिलाइज़ करते हुए हमने एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन करा दी और फिर उसको लकड़ी के साथ प्रॉपर रस्टिक मटेरियल यूज़ किए, इवन फ्लोर पे भी स्टोन्स वुड के डिफरेंट पोर्शंस लिए और वो ट्री हाउस क्रिएट कर दिया। उस ट्री हाउस की बहुत अप्रिसिएशन फैसलाबाद के सर्कल्स में आई और इवन लाशारी साहब भी वहाँ आए थे तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें सारे रस्टिक मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है और इवन फ्लोर्स पर भी मैंने कोई आर्टिफिशियल मटीरियल यूज़ नहीं किया था। फिर उसकी सीरीज शुरू हुई, फिर सितारा वालों का एक प्राइवेट ट्री हाउस बनाया, फिर और एक क्लाइंट हैं बड़े टेस्ट वाले उनका बना, फिर वहाँ नेचुरल्स कंट्री क्लब है उनके दो रेस्टोरेंट्स बनाए, एक विंटेज सिगार लूम बनाया जो यूरोपियन लंदन के पुराने सिगार और उसमें प्योर चमड़े की खालों के साथ कस्टमाइज फर्नीचर मैंने खुद बनाया हुआ है और उसमें जितने टेबल्स हैं वो सॉलिड हैं, उसके ऊपर सारा हाथ का काम है। वाओ, इंटरेस्टिंग। फिर एक जापानीज गार्डन रेस्टोरेंट बनाया, उसमें सारा उसी थीम का, इवन कस्टमाइज लाइट्स, कस्टमाइज पेंटिंग्स, मैं अब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि हर चीज़, मतलब मुझ मार्केट से बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, इवन लाइटों से लेके शैंडलियर से लेके कुशंस फैब्रिक के ऊपर मोटिव्स, वो मेरा सब कुछ कस्टमाइज्ड होता है। क्लब के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, उनके गेस्ट रूम के प्रोजेक्ट्स किए, उनके ऑफिसेस किए और अल्हम्दुलिल्लाह हर जो इंटीरियर है वो दूसरे से डिफरेंट है। मेरा बिलीव क्या है कि हर क्लाइंट की एक अपनी चॉइस है और हर क्लाइंट की एक अपनी इनफरादियत है। एक बंदा जब शौक से घर बनाता है वो इसलिए नहीं बनाता कि उसकी चीज़ें हर 10 घरों में रिपीट हुई हुई हों। मेरी कोशिश क्या होती है कि कस्टमाइज हो जाती है ना डिफरेंट, मैंने अगर आपके घर में काम किया है तो मैं दूसरे एक्स वाई जी के घर बिल्कुल डिफरेंट काम करूंगी, तीसरे के घर बिल्कुल डिफरेंट काम करूंगी। मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं जैसी चीजों का ढेर बना के और उन्हीं को 19 पीस के डिफरेंस के साथ यूज कर लूं। मतलब मेरा बिलीव क्या है कि हर एक बंदे की अपनी पर्सनालिटी है और उसका इंटीरियर उसके अकॉर्डिंगली है। अच्छा, फिर हमारे पास वासा का एक था गार्बेज पॉइंट, वो हमारी जो मोहम्मद अली साहब से डिस्कशन हुई कि इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो बिल्कुल चुनाव क्लब के सामने था, हमने उसको ख़त्म करके वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट बना दी एक आर्ट विलेज के नाम से, जहाँ पे हमने सारी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की शॉप्स बनाई। फिर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने उसकी इनॉग्रेशन भी की, उस मार्केट से मुझे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। फिर सुहेल अशरफ साहब थे, बहुत ही क्रिएटिव मैन, वो डी सी फैसलाबाद रहे, उनके साथ लालपुर हाउस जो पुराना डी सी हाउस है उसकी एक दो ऑफिसेस की रेनोवेशन की, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। फिर वो जब इधर आए तो उन्होंने पूंछ हाउस का कमेटी रूम का इंटीरियर मुझे, और मैंने कमेटी रूम के जो दियार के दरवाजे थे जो पुरानी लकड़ी थी जो अनफॉर्चुनेटली अब मिलती भी नहीं है, और हम लोगों ने क्या किया उसके ऊपर 8 लेयर्स थी पेंट की, जिसको निकाल के मैंने असली दियार बाहर निकाली और उसको दियार में फिनिश किया और उसके इंटीरियर में मैंने सारे पुराने स्टाइल्स को रखा। फिर यहाँ पे फैक्ट्री है, उसकी रेनोवेशन कर रही हूँ, वो बहुत पुरानी फैक्ट्री है, उसकी सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर रही हूँ, उसकी लकड़ी, उसके दरवाजे, उसकी सारी चीज़ें। तो मेरा फोकस क्या होता है कि मैं कल्चर और आर्ट और हिस्ट्री को लूँ तो फिर उसको एज इट इज़ रिस्टोर करूँ। मतलब मॉडर्न आर्ट अगर किसी क्लाइंट को पसंद है तो फिर मॉडर्न में भी हर क्लाइंट को एक डिफरेंट रेंज दूँ, उसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, उस पर मॉडर्न लाइन्स पे फर्नीचर। और मुझे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मेरी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, मुझे सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस पे नहीं रहना पड़ता, मैं जो सोचती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना देती हूँ। और हमने एक्चुअल में यही ख्वाबों से तबीर है, ये मेरे ख्वाब थे जिसको अल्लाह ताला ने, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मेरा एक शौक था और मेरे लिए ज़िंदगी में सिर्फ ब्लेसिंग क्या है कि माँ बाप की दुआएं हैं। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, चाहे वो मेरा वर्कर है, चाहे वो मेरा क्लाइंट है, मेरे साथ कभी कुछ, आपको पता है जब आप बिजनेस फील्ड में आते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको लेबर ऐसी मिलती है जो धोखे दे देती है सब, मैं आज तक कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचती। मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा अल्लाह ताला पे छोड़ी और मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ने वहाँ से मेरा हाथ पकड़ा जहाँ से मुझे गुमान भी नहीं था। मेरे शौक की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत फैमिली प्रेशर था कि क्यों मैं पैसे वेस्ट कर रही हूँ, क्यों मैं बिला वजह एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो करते करते आज अल्लाह ताला ने मुझे उस स्टेज पे खड़ा कर दिया कि उसमें जब मुझे कोई कहता है ना कि आपके काम क्या कि आप सॉलिड लकड़ी यूज़ करती हैं, आप मेन इम्पोर्टेड महंगे से महंगी फिनिशेस यूज़ करती हैं, आप बेस्ट फैब्रिक यूज़ करती हैं, तो मुझे इतनी दिली खुशी होती है कि एटलीस्ट ऑनेस्टी किसी भी फील्ड में चली जाए, जो माँ बाप से सीखा एक ऑनेस्टी का लेसन वो एटलीस्ट अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने उसके बदले में एक इज्जत रिस्पेक्ट दी है।
और मुझे इज्जत आज सर्कल्स में मिली है तो क्यों मिली है, क्योंकि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्वालिटी के ऊपर। मैं ये कहती हूँ कि मैं चूंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट और अपने शौक को लोगों की नजरों में लेके आना। और चूंकि पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है, पैसा मेरे लिए रिस्क का सबसे अदना दर्जा है। जब पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं होती तो फिर अल्लाह मियाँ आपको वहाँ वहाँ से वो चीज़ देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर क्लाइंट से मैंने सपोज किसी चीज़ का 1 मिलियन लिया और मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे मुझे 2 मिलियन लगाने की ज़रूरत है तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं काम अच्छा नहीं होता मैं किसी को हैंड ओवर ही नहीं करती। तो अल्लाह ताला शायद ये नहीं सर। और फिर मैंने कराची में एक सिंध में होटल किया था शिकारपुर में, वो मैंने इटली का जो डार्क इंटीरियर होता है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, हर कमरे का इंटीरियर दूसरे से डिफरेंट था, उसमें ह्यूज पेंटिंग्स, उसकी लॉबी के अंदर मैंने यूनेस्को की जितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंटीरियर सिंध में उन सबको मैं ह्यूज पेंटिंग्स में ले आई। मतलब अगर आप उस होटल की लॉबी में एंटर होते हैं तो आपको पूरे सिंध की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं डिक्लेयर्ड, वो आपको सारों का व्यू आ जाता है। और वो मैंने पूरे होटल का इंटीरियर यही कल्चर हिस्ट्री इस चीज़ को बेस किया हुआ है। उसके कमरों में आप चले जाएं तो आपको हर कमरा दूसरे कमरे से डिफरेंट दिखेगा, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र नहीं आएगी। अब मेरे लिए ये भी, मुझे सब कहते थे कहाँ शिकारपुर में जाके और 15-20 दिन रह के और पूरा इंटीरियर कर रही हो, बट मैंने उनका एक एक कमरा बड़े शौक से और बड़ा डिफरेंट करके तैयार किया। इसमें वाकई कोई शक की गुंजाइश नहीं है नाज़रीन, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में आमना का, बल्कि मैं थोड़ा सा और बताता जो काम के हवाले से कि ये अपने काम के साथ वाकई बहुत सन्सियर है और मैं इसका ऐनी शायद गवाह भी हूँ। यानी कि हम आज़रबाईजान में इत्तेफाक है कि हम मेड इन पाकिस्तान कर रहे थे और हम दो इकट्ठे थे, तो इन्होंने ये जो अपने आर्ट पीसेस लेके गई हुई थी तो वहाँ के एम्बेसडर्स और वहाँ के लोगों ने और वहाँ के जितने आए यानी कि वो सोसाइटी के जिन लोगों को बुलाया गया था वहाँ पर, तो सब ने बहुत पाकिस्तानी कल्चरल को और इनके आर्ट को बहुत ज़्यादा सराहा था। और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो दुनिया में हर जगह पर जाना चाहिए, जिसकी एक ज़िंदा एग्जांपल आमना और औरंगज़ेब की शक्ल में शेप में हमारे साथ मौजूद है। आमना, मुझे जिस तरह मैंने पहले कहा है कि माशाल्लाह आपका काम आपकी ज़मानत है बोलती हुई, यानी कि दुनिया में आपने जितना भी नाम कमाया पाकिस्तान के लिए काम किया है, और नो डाउट मैंने जैसे आपने खुद भी कहा आपने कभी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे को नहीं दी, क्वालिटी के ऊपर काम किया है। आमना, ये सब कुछ कैसे आप कर लेती हैं, यानी कि एक फैमिली से भी तल्लक है आपका, माशाल्लाह आपके हस्बैंड जो हैं मिस्टर वो एक वेल नॉन यानी कि डॉक्टर हैं फैसलाबाद में, बच्चे आपके बच्चे भी हैं, तो इसको कैसे आप टाइम दे देती हैं कि बतौर खातून, क्योंकि ये उन हवातीन के लिए मैसेज होगा जो जिनकी एम्पावरमेंट होने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खातून के लिए इस तरह के फील्ड में आना, फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करना, फिर इतने सफारती तल्लुकात बनाना, सबसे बड़ी बात ये है, तो ये किस तरह से, हाउ इज़ पॉसिबल, यानी कि थोड़ा सा डिटेल में बताइए जी। इसमें मैं आपको फिर वही जिक्र करूँगी कि इसको ताबीर देने में जो मेजर रोल, वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी तरह उल्टा है कि हर औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। ये मेरे सब हस्बैंड की कोऑपरेशन, डेफिनेटली उनकी, उनका इतना ट्रस्ट है, मतलब उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ पे, मैंने बड़े से बड़ा लॉस भी कर दिया तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं कहती हूँ कि शायद मेरी कोई नेकी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह का हस्बैंड दिया जो मेरे साथ इतना कोऑपरेटिव है कि ट्रैवलिंग से, और उनका ट्रस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उनके ट्रस्ट को जरा सा भी कोई नुकसान नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत। और आज आप किसी सर्कल में चले जाएं, साउथ कोरियन एम्बेसडर कहा करते थे कि आमना इज माय पाकिस्तानी डॉटर, मतलब आज भी वो पिछले दिनों अभी इसी साल में वो आए हुए थे डेलीगेशन बिजनेस मैन का लेके साउथ कोरिया से, बल्कि गवर्नर हाउस में उनका लंच था तो उन्होंने गवर्नर साहब से भी मुझे यही कह के इंट्रोड्यूस किया, और स्पेशली मुझे और औरंगज़ेब को इनवाइट किया फैसलाबाद से, और वो जितने कोरियंस आए हुए थे सारा जो उनका पूरा सर्कल, उन सब में उन्होंने मुझे इसी रेफरेंस से, तो मैं इतना मुझे आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि वो एक रेपुटेशन आप बनाते हो, रेपुटेशन बनानी पड़ती है, और आपको इतना अच्छा फील होता है कि जब आपकी एक इस तरह की रेपुटेशन बन जाती है तो वो आपके काम से, आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से बनती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैंने उनके ट्रस्ट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी लेट डाउन नहीं होने दिया, कभी भी नहीं।
अच्छा, वो अल्लाह ताला की एक और ये ब्लेसिंग रही कि मुझे सर्वेंट्स इतने अच्छे मिले कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। ये तो बाकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज्यादा हुई, ब्लेसिंग से कम नहीं है। और उसमें मेरे ससुराल की कोऑपरेशन, बिकॉज औरंगजेब के बड़े भाई का घर साथ था, मेरी जेठानी, मेरे इन लॉज बहुत कोऑपरेटिव, मेरे साथ बहुत प्यार करने वाले। इवन जब मैं बाहर इंटरनेशनल ट्रेवलिंग में भी, मेरे बच्चे घर में होते थे, सर्वेंट्स होते थे, लेकिन चूंकि मुझे पता होता था कि भाभी साथ वाले घर में है तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा, तो वो हर लिहाज से मैं ब्लेस्ड रही इस तरह से। उसमें फिर ये हुआ कि सबसे पहले ये कि मेरा ये ख्याल है कि आपको खुद को, अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। आप निकलें, बाहर निकलें, काम भी करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता जब तक आप अंदर से खुद स्ट्रांग नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये तरबियत ये आप बेटियों को भी देनी चाहिए, अपनी फैमिली को भी देनी चाहिए। हर बंदा काम कर सकता है, अल्लाह ताला हमें मना नहीं करते काम करने से। हाँ, हमें अपनी लिमिट्स का पता हो, अपनी वैल्यूज़ का पता हो, अपने ट्रेडिशंस का पता हो। अब यूरोप अमेरिका में भी चले जाएं, वहाँ वैल्यूज वाली फैमिलीज हैं, है बिल्कुल है, वहाँ पे, वहाँ पे भी एथिक्स है, वहाँ पे भी वैल्यूज हैं, वहाँ पे भी ऐसे खानदानी लोग आपको मिलेंगे। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत दुनिया देखी, बहुत ट्रेवल किया, मैंने एक्सप्लोर किया पूरी दुनिया को इस फर्नीचर फील्ड में आने से पहले अपने शौक के लिए, और वो मेरा शौक पूरा किया मेरे हस्बैंड ने। उसने मैंने जो भी कहा उन्होंने पूरा किया। मैं बहुत सारे इंटरनेशनल, जैसे पेरिस फेयर में गई, फिर मैंने यूएई में, दुबई में किया, फिर बाकू में किया, फिर मैंने पूरा यूरोप ट्रेवल किया, क्रिस्टियान के साथ पूरी मार्केट एक्सप्लोर की, दुबई में देखा, पूरी दुनिया में देखा क्या क्या काम होता है। मरीना होम्स के ऑनर को मिली दुबई में, उन्होंने कहा कि हमने सारी बेटा मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद कर नहीं की कभी भी, हम फिलीपींस और चाइना से फर्नीचर लेके आते हैं। फिर मैंने वहाँ जाके देखा कि फर्नीचर बनता कैसे। अच्छा, फिर जब मैं साउथ कोरिया गई, सियोल गई, तो मुझे साउथ कोरियन जो डॉक्टर सॉन्ग थे उन्होंने मुझे विजिट कराया पूरे फैक्ट्री आउटलेट्स में। वहाँ पर मैंने जाके देखा कि वो जो एक एबलॉन है, एक शेल है, वो नेचुरल कलर्स हैं नेचर के, और अब वो सिर्फ न्यूजीलैंड के बीचेस पे मिलता है। उसके अंदर जो कलर्स हैं उससे पूरी पूरी स्टोरीज लिखी जाती हैं फर्नीचर टॉप के ऊपर। और ये काम सीरिया में होता था, वॉर के बाद वहाँ पे बदकिस्मती से ख़त्म हो गया। अरबी बहुत पागल हैं इस काम के लिए, यूरोपियंस बहुत क्रेजी हैं। मैंने इस काम का एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने यहाँ पे कारीगर ट्रेन किए, मैं वो शेल्स मंगवाए पाकिस्तान में और पूरी पूरी टेबल्स के ऊपर लिखा। उसके बहुत सारे मेरे गोरे क्लाइंट्स हैं, मेरे अरबी क्लाइंट्स हैं, और वो काम भी मैं कर रही हूँ। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मॉडर्न फर्नीचर पर नहीं फोकस किया हुआ, मैंने पुरानी, सदियों पुरानी जो बरातें जाती थी उन पूरी एक बरात के सीन को एक आईने में सुई के साथ काव कर दिया। इंटरेस्टिंग। फिर एक कार्विंग, मतलब मैंने दुनिया जहान का जो आर्ट है वो करने। अब मैंने कायरो म्यूजियम में एक ज्वेलरी बॉक्स देखा, उसको मैंने सेंटर टेबल में कन्वर्ट कर दिया। वो भी लालपुर गोल्फ क्लब में पड़ी हुई है जो देखता है, और उसके ऊपर सारा हाथ का काम, कंधारा से रिलेटेड पीसेस बनाए बहुत सारे। फिर वो एम्बेसीज में उसकी बहुत वो मिली। मतलब मैंने आर्ट, मैं आर्ट पीसेस क्रिएट करती हूँ। हाँ, अब ये जरूर है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे मॉडर्न इंटीरियर्स में भी चली गई, बट मॉडर्न इंटीरियर्स में भी मैं रिलीफ आर्ट के अंदर मॉडर्निज्म ले आती हूँ, मैं पेंटिंग्स में मॉडर्निज्म ले आती हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती हूँ। मैं प्लेन वो चीज़ नहीं कर रही जो मार्केट में हर कोई कर रहा है। अगर मैंने कोई पैनल्स मॉडर्न लाइंस पे देने हैं तो उसके अंदर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दुनिया जहान के जो टॉप डिज़ाइनर्स हैं उनको स्टडी करूँ, एक्सप्लोर करूँ, और फिर उसमें जिद्दत लेके आऊँ थोड़ी सी। तो बस अब वो एक मेरा शौक बन गया है, शौक से काम कर रही हूँ, अल्लाह मियाँ इज़्ज़त से भी नवाज रहे हैं चीज़ें। अब बल्कि अली तहसीन बहुत बड़ा नाम है उनका, सिग्नेचर सैलून, 25 साल से वो इस इंडस्ट्री में है और बहुत एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं। मैं खुद उनकी क्लाइंट हूँ पिछले 15 साल से, उन्होंने मेरे आर्ट पीसेस देखे। वो खुद आर्टिस्ट है बेसिकली, वो भी और उनकी वाइफ भी, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। वो मेरी लाहौर वाली लॉन्चिंग में भी आए थे, तो उनके साथ मिलके उनके सैलून के अंदर हम एक फर्नीचर लाउंज बना रहे हैं जिसमें हम सारे आर्ट पीसेस लेके आएंगे, जिसमें आपको एबलॉन मदर ऑफ पर्ल्स के पीसेस भी नज़र आएंगे, उसमें आपको ब्रास में भी कार्विंग नज़र आएगी, उसमें आपको बहुत पुराने कस्टमाइज जो चमड़ा खाले उनको मैं कस्टमाइज कराती हूँ, आपको उसके फर्नीचर सोफे भी नज़र आएंगे, आपको उसमें हर चीज़ जो आप मांगेंगे वो आपको फर्नीचर पीस वहाँ दिखेगा। उसमें पेंटिंग्स की रेंज होगी, उसमें हर चीज़, ज्वेलरी बॉक्सेस होंगे, उसमें इवन प्लांटर्स होंगे। मतलब मैं अगर कोई घर करती हूँ तो मैं प्लांटर्स तक कस्टमाइज करती हूँ। आर्टिस्ट हैं बहुत सारे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए कस्टमाइज पेंटिंग्स बनाते हैं। सो मेरा आप मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी अपनी नियत, अल्लाह ताला ने मेरी गुने की मानी, या मेरा सारी चीज़ें सीखने के बाद अल्लाह मियाँ ने बहुत इज्जत से नवाज दिया। एक्चुअल में मैं जो समझ रहा हूँ, जो हकीकत भी है, आप ही पाकिस्तान के रियल एम्बेसडर हैं, आर्ट एम्बेसडर कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की यही चीज़ें होती है अपनी कंट्री की, जब आप इंटरनेशनली उसको, जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है, लोगों को पसंद आता है, और यही एक कंट्री का मियार और इमेज जो होता है, यानी कि दूसरे जगहों पर डिस्कस किया जाता है।
और यहाँ से अंदाज़ा किया जाता है कि हमारे कंट्री में हमारी जो हमारा आर्ट है वो किस काबिल है कि उसको इंटरनेशनली यानी कि एफिलिएशन मिले। कुछ ऐसे ख्वाब जो पूरे नहीं हुए अभी तक और उनके जस्तजू में आज भी आमना औरंगज़ेब है, वो कौन से ख्वाब हैं? वो ख्वाब हैं कि जो दुनिया की टॉप 10 डिज़ाइनर्स हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से मैं जा सकूं, शायद अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में कभी मौका दे रैंकिंग में। रैंकिंग में और वो ख्वाब जो आप बचपन में देखती थी उनकी तबीयत मिल गई कि वो भी उसके लिए भी सफ़र जारी है? सबकी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो जो देखा मिलता जा रहा है। ख्वाबों पे यकीन है? बहुत बहुत मुझे ख्वाबों पे यकीन है। मैंने ज़िंदगी में जो विश की मेरी अल्लाह ताला ने पूरी की, मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई जो मैं मुझे नहीं मैंने इंजॉय किया, मैंने हर चीज़ देखी, दुनिया ट्रेवल की, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स पूरी दुनिया में बनाए, इतने अच्छा ससुराल मिला, इतना अच्छा हस्बैंड मिला, माँ बाप की तरफ से प्यार मिला, बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिली, और क्या चाहिए होता है बंदे को, बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे दिए। अब ये सोचें कि मैं बहुत उन दिनों में ट्रेवल भी करती थी बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, शायद वो एक ख़ानदानी खून होता है, इतनी माशाल्लाह उनकी अच्छी ट्रेनिंग है कि वो लोग तारीफ़ करते हैं, और तो कुछ भी नहीं चाहिए होता आप तो लाइफ के साथ। आमला एक टाइम ऐसा भी लाइफ में आता है जब लाइफ ने हमें सब कुछ दे दिया होता है, वो इज्जत मुकाम जिस तरह से आप खुद कह रही हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप CSR के हवाले से उन लोगों के लिए कुछ करें जो कल को आमना जैसी बनने चाहती हैं, और बतौर खातून और ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में इस सफ़र को जारी रखते हुए आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप उन ख्वातीन के लिए रोज़गार के कुछ ऐसे यानी कि उनको मौके दें या कुछ इस तरह का कर जाएं ताकि दुनिया में आपका आपके बाद भी नाम रहे या काम भी रहे? जी, मेरी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो मैंने आपको बताया कि मैं फैब्रिक कस्टमाइज़ कराती हूँ, कुशन्स एम्ब्रॉयडरी कराती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये काम दिया हुआ है ऑलरेडी, और बहुत सी फीमेल्स भी मेरे साथ काम कर रही हैं। इवन एक दो ऐसी ख़वातीन हैं जो फर्नीचर के फील्ड में पॉलिशिंग भी कर लेती हैं, आपको बहुत डिफरेंट लगा होगा क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत अच्छी पॉलिश करते थे, तो उनकी बीवियों को ये काम देने के लिए मैं पीसीज उनके घर पे भिजवा देती हूँ, और आप यकीन करें इटालियन चौक फिनिश उससे अच्छी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो दूसरा मेरी एक और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं लकड़ी में काम करती हूँ, और कभी अब्बा बताते हैं कि फैसलाबाद गढ़ होता था टाली का, शीशम का शहर होता था, दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं, हम तेज़ी से काट रहे हैं उसको, मैं ज़रूर लकड़ी का फर्नीचर बना रही हूँ पर कहीं अंदर से मुझे दुख होता है, मैं दरख्त नहीं काटती। अब मैंने जैसे ट्री हाउस बनाया है उसके अंदर जितने दरख्त हैं वो मैंने मर्ज किए हैं, मैं कभी किसी पौधे को काट नहीं सकती, मुझे लगता है वो एक जानदार चीज़ है। लकड़ी ज़रूर लेती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे पूरी कर रही हूँ कि अभी नेचुरल कंट्री क्लब वाले जो हैं जो पूरा फॉरेस्ट ग्रो करके एक बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ लिविंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी आप फैसलाबाद आएँ तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि उन्होंने पूरे पूरे फॉरेस्ट ग्रो किए हुए हैं, तो उनके साथ कोलेबोरेट करके मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम दरख्त लगें अपने घर में, या मैं अगर दो दरख्तों में मेरा फर्नीचर बनता है तो मैं कहीं ना कहीं दो पौधे लगा दूं, तो वो आपके लिए दरख्त की शेप बन जाए, दरख्त की शेप, वो उसकी छांव में लोग बैठेंगे आपको दुआ देंगे। तो ये मेरी दो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी कर सकती हूँ मैं अपनी लेबर के साथ करूँ, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज जितनी मैं दे सकती हूँ मैं दूँ। तो और हमने ये जो इंस्पिरेशन लेती है आप जब ये काम करती हैं, ये बड़ी क्रिएटिव काम है सारा ना, एज ए डिज़ाइनर चाहे वो किसी फील्ड का भी डिज़ाइनर हो, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपको? हिस्ट्री से, तारीख से, जैसे फर्नीचर पीसेज में मैंने देखा कि विक्टोरियन फर्नीचर की जो पीसेज हैं वो कहाँ से शुरू हुए, फिर मैंने तारीख को दिया, किताबों को स्टडी किया, फिर पुराने पैलेसेस में चली गई, मतलब मैं अपने आप को वहाँ ले जाती हूँ तारीख में, फिर किताब पढ़ते हुए मुझे फील होता है कि उस दौर में, फिर वो स्केच करती हैं आप अपने माइंड में। अभी आप आर्किटेक्चर देख लें, जितना जबरदस्त बिल्डिंग्स और आर्किटेक्ट रोमन देख लें, रोमन और मुगल, हमारा मुगल आर्ट देखें आप, क्या क्या वर्कर्स थे, क्या क्या लेबर थी, क्या क्या कमाल का, और तब आज तरह की फैसिलिटीज भी नहीं थी। आप ये देखें जो टाइलों के अंदर खुदाई के साथ पूरी पूरी कहानियां लिखी होती हैं, तब इन लोगों के पास इतना कुछ तो नहीं था। इजिप्शियन आर्ट को देखें, इजिप्शियन आर्ट देखें, आपको हर एरिया में जाके एक नया हिस्ट्री नजर आती है। तो मेरी ये होती है कि मैं उस आर्ट का रिवाइवल कर दूं, मेरा नाम भी एक्सक्लूसिव रिवाइवल्स क्या है, रिवाइवल ऑफ ओल्ड कल्चर, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड हिस्ट्री। सो मेरा ये है, मैं तारीख में रहने वाला बंदा हूँ बेसिकली, मेरा ख्याल है कि वो भटकी हुई रूह नहीं होती कि हिस्ट्री से निकल के, मुझे पुरानी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं।
अब कायदे आज़म की, अगर मैं कोई गवर्नमेंट सेक्टर में या कॉरपोरेट सेक्टर में कोई ऑफिस बना रही हूँ तो मैं कायदे आज़म की पुरानी पेंटिंग्स में चली जाती हूँ, मैं आम पेंटिंग्स में नहीं जाती, मैं वो देखती हूँ जो शायद और जगह पे नहीं बनी हो, फिर मैं उन पेंटिंग्स को कस्टमाइज़ करती हूँ ताकि लोगों को कायदे आज़म की पर्सनैलिटी का, मैं बहुत आइडियलाइज करती हूँ कायदे आज़म को, उनकी ज़िंदगी का एक नया रुख नज़र आए। तो बस ये कोशिश है कि मेरे से लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, मैं बेस्ट जितना दे सकती हूँ। परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती, आप सारी जिंदगी सीखते हैं। अगर आप ये कह दें कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो कभी भी नहीं, तो मैं लाइफ कौन सा जाएगी अगर मेरे ना तो ये बाप दादा का कोई फील था, सारा फर्नीचर ये मैंने खुद ही किया ना सब, तो सीखा और अपनी वर्कर से सीखा, कुछ बहुत सीनियर आर्टिस्ट अपने साथ किए। अब एक मेरे साथ दो तीन कारीगर काम करते हैं जिनकी नस्लें, जैसे चिन्योट से एक बंदा आता है, वो हाथ की नक्काशी और काम उसके बाप दादा परदादा इस फील्ड में थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनको रोजगार दे रही हूँ। वो लोग वेस्ट हो रहे थे चिन्योट की गलियों में, उनको लाके मैंने अपनी फैक्ट्री में बिठा के मैं उनसे काम करवा रही हूँ, उनके काम की तारीफ कर रही हूँ। वो एक छोटा सा पीस भी बना देते हैं तो वो इतने खुश होते हैं जब मैं तारीफ करती हूँ कि क्या खूबसूरत काम किया, तो वो जो उनके चेहरे की खुशी है ना, वो आपको सेटिस्फेक्शन दे देती है। और अल्लाह करे ऐसा ही चलता रहे ये सिलसिला। अब ना लास्ट क्वेश्चन, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है, टाइम की कमी है। आमना, आगे क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, आप अपने ब्रांड के हवाले से, अपने काम के हवाले से अपने आप को कहाँ पर देख रही हैं? ब्रांड को तो अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल सर्कल्स में तो मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया हुआ है, उसको एक्सपैंड करना चाह रही हूँ थोड़ा। मैं चाह रही हूँ कि अब जिस तरह मैंने अपने सर्कल्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बन गया, इज्जत बन गई, काम चल पड़ा है, अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, जैसे एक्सप्लोर करूँ दुनिया को और फर्दर अपने काम को इंट्रोड्यूस कराऊँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरा अब एक ही ख्वाब है कि टॉप डिज़ाइनर्स की रैंकिंग में आना, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं एक लिमिटेड सर्कल में तो नहीं रह सकती। तो अब मेरा नेक्स्ट यही है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करूँ, कोलैबोरेशन करूँ, डिफरेंट कोई होटल्स के साथ काम करूँ, अपने काम को आगे से आगे लेके जाऊँ, नॉट कमर्शली लेकिन एक अच्छे काम को तारुफ कराऊँ सारी दुनिया में। ये पाकिस्तान का तारुफ है, आपका तारुफ नहीं, वो पाकिस्तान का। में जब मुझे तारीफ मिलती थी तो मुझे फील होता था कि मैंने अपने मुल्क का नाम, अभी आज भी उन सारे एम्बेसडर्स के साथ कांटेक्ट है, तो वो अभी भी जब आते हैं वो तारीफ करके मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है। यू फील प्राउडली, यानी कि आप पाकिस्तान की वजह से ना, यानी कि हमारी कोई ये नहीं कहता कि मैंने किसी के साथ कोई उसको फर्नीचर पीस देते हुए बताया कुछ और कर कुछ दिया। अभी जैसे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की फैक्ट्री बना रही हूँ, उसमें मैं क्लाइंट्स को इन्वाइट करूंगी कि वो आके अपना फर्नीचर बनते हुए देखे, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि अगर मैंने उनको बताया है कि मैं शीशम लगा रही हूँ या अखरोट लगा रही हूँ तो मैं शीशम ही लगा रही हूँ। आजकल तो आप शोरूम्स में जाके देखें, आपके सामने मेकअप की भी चीज होती है, अंदर क्या लगा हुआ कोई नहीं दिखाता, बट मैं क्लाइंट्स को बुलाती हूँ, बुलाऊंगी कि आके देखें कि मैं आपको दे कह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम में ऑनेस्टी ले आऊँ, ताकि हर इंसान की जिंदगी का तो नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने कितनी जिंदगी आपको और दी है, तो कभी भी ऐसा काम कुछ ना करूं जिससे मेरे माँ बाप की, मेरे हस्बैंड की, मेरे खानदान की कहीं पे भी कोई नहीं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आपने अभी तक जितना काम किया है और वो पाकिस्तान के लिए काम किया, अपने अपने से बढ़ के काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में आज की हमारी पर्सनैलिटी जो थी आमना औरंगज़ेब साहिबा, उनकी ज़िंदगी का सुना अपने, उनके ख्वाबों का सुना अपने, ख्वाबों की तबीर भी उनको मिली और आगे के ख्वाब भी सुने जिनकी तबीर के लिए वो अभी भी शब यानी रोज़ कोशिश में है। और उम्मीद है ये सफ़र जारी रहेगा और आप लोगों से हम मुलाकात कराते रहेंगे ऐसे स्टार्स की और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, यही पाकिस्तान का एक्चुअल में सॉफ्ट इमेज है, जब दुनिया पाकिस्तान के आर्टिस्ट की, पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स की, पाकिस्तान के काम की और आर्ट की कदर करती है। ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे।
मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।